तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्लड शॉट मूवी के बारे में। ब्लड शॉट एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है जिसके पहले सीन में ये दिखाया जाता है मरीन रे नाम का एक सोल्जर अपने हाथ में गन लिए हुए आगे बढ़ता है। उसके सामने जो भी आता है वो उन सबको गोली से मार देता है। जब वो अंदर पहुँचता है तो उसे देखता है कि एक टेररिस्ट अपने गन पॉइंट पर एक आदमी को बैठाया होता है और वो रे को बोलता है अपनी गन नीचे रखो। तब रे उससे पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, तो वो टेररिस्ट उसको बोलता है मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। तब रे बोलता है इसके लिए मुझे एक कॉल करना होगा, और टेररिस्ट तब उसको एक फ़ोन की तरफ इशारा करता है। जैसे ही वो टेररिस्ट उसे फ़ोन की तरफ इशारा करता है, रे मौका पाकर उस टेररिस्ट को मार देता है और वो आदमी बच जाता है। अब सीन चेंज होता है एवियानो एयरबेस का, जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स अलग अलग हेलीकॉप्टर से उतर रहे होते हैं। मरीन रे भी वहाँ आ जाता है और वह सभी को बोलता है कोई भी मिशन बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं होता और ना ही कोई बलिदान बहुत ही महान होता है। उसके बाद सभी सोल्जर्स ऑल ड्यूटी फर्स्ट का नारा लगाते हैं और रे अपने पास में खड़ी बीवी के पास चला जाता है। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद वो छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बीवी के साथ इटली के मुम्बासा शहर में चला जाता है, लेकिन अनलकीली वहाँ पर मार्टिनेक्स के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे मार्टिनेक्स होस्टेज ऑपरेशन के बारे में पूछते हैं। और रे बोलता है उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और अगर वो पता भी होता तो नहीं बताता। और उसके बाद रे अपनी बीवी को बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो किडनैपर ये बोलता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, और ये बोलने के बाद वह उसकी बीवी को मार देता है। रे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वह उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा, और तब किडनैपर रे को भी मार देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रे लेटा हुआ है, उसके शरीर पर बहुत सारे वायर अटैच्ड हैं, और जैसे ही रे को होश आता है वह उन सभी वायर को हटाता है और वह हटाते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वहां पर एक लड़की केटी आ जाती है और वह उसे बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसके बाद वहां डॉक्टर हार्टिंग्स भी आ जाते हैं। डॉक्टर हार्टिंग उसे बोलते हैं वेलकम टू राइजिंग स्प्रिट टेक्नोलॉजी और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, और वह रे को बोलते हैं तुम्हारा ज़िंदा होना बहुत ही बड़ा फेनोमेनन है, तुम्हें US मिलिट्री ने हमें डोनेट कर दी थी जब तुम मरे हुए थे। एक्चुअली डॉक्टर हार्टिंग उसे खुद के इस्तेमाल के लिए वापस लाया होता है, उसके अंदर बहुत सारे सुपर पावर्स डाल देते हैं और जिसके वजह से वह उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम पहले हो जिसे वापस लाया गया, वो भी इतनी खूबसूरती के साथ, तुम पहले हो जिसे दूसरा चांस मिला है। हम US मिलिट्री के लिए बहुत ही कीमती एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं और हमारे पास इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, और हम सोल्जर्स को काफ़ी तेज और ताकतवर बनाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एक्सपेरिमेंट का नतीजा दिखाने के लिए रे के हाथ पर एक कट लगाते हैं। हाथ पर कट लगाते ही उसका घाव रे तुरंत ही हील हो जाता है। रे ये देखकर काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता है, पर यह एक बायोमेडिकल कंस्ट्रक्ट है। ये टेक्नोलॉजी की वजह से उसका शरीर काफ़ी जल्दी हील हो जाता है। अब केटी उसे बोलती है कि तुम कौन हो ये तुम नहीं जान सकोगे क्योंकि तुम्हें क्लासिफाई कर लिया गया है। तब डॉक्टर उसे बोलता है तुम कौन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ये तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारा पास्ट का कोई वैल्यू नहीं है। तब डॉक्टर रे को समझाने के लिए बोलता है कि एक समय में मैं टेनिस का एक बहुत ही चैम्पियन प्लेयर था, लेकिन 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया और कैंसर के इलाज के लिए मेरा हाथ काट दिया गया। और उसके बाद वह उसे अपना हाथ दिखाता है जो कि अब एक मैकेनिकल आर्म है और जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब डॉक्टर बोलता है कि जंग में जो भी सोल्जर्स अपना हाथ या पैर खो देते हैं हम उसे नए हाथ लगा के देते हैं जो कि पहले से काफ़ी तेज और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद डॉक्टर अपने ऐसे ही अलग अलग पेशेंट से उसे मिलाता है जिसमें जिमी भी होता है। जिमी का पैर आर्टिफिशियल पैर होता है जो कि पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी तेज भागने में उसकी मदद करता है। जिमी का एक दोस्त मार्कस भी होता है जिसकी आंखें नहीं होती, उसकी आंख की जगह कैमरा लगा दिया जाता है जो कि ऑप्टिक नर्व से जुड़कर उसे, जिसकी वजह से वो सब कुछ देख सकता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रे जब सोकर उठता है तो वो उसके अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस करता है, और जब वह एक पिलर को पंच करता है तो वो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ पंच के बाद पिलर टूट जाती है। वह कितनी भी हैवीएस्ट डंबल हो आसानी से उठा लेता है। उसके बाद वह केटी से मिलने जाता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है। वह केटी को बोलता है यह एक डरावना सपने की तरह है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तब केटी उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। ड्रिंक पीने के बाद उसे फ्लैशबैक कर सारी यादें याद आ जाती है।
रे को फिर से सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे उसकी वाइफ का किडनैप हुआ, फिर उसे मार्टिनेक्स के आदमी ने मार डाला। रे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। ये सभी नज़ारा डॉट कैमरे से देख रहा होता है और वह पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, और वह अपने असिस्टेंट को चैनल को ओपन करने के लिए बोलता है। जब उसका असिस्टेंट चैनल को ओपन करता है तब वो रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर रे बोलता है तुम मुझसे कैसे बात कर सकते हो। फिर डॉक्टर बोलता है तुम्हारे अंदर बिलियंस ऑफ वायरलेस प्रोसेस डाले गए हैं जिसके वजह से हम तुमसे कहीं भी कभी भी बात कर सकते हैं। तुम वापस आ जाओ, तुम किसी को नहीं जानते, तुम सिर्फ हम लोगों को जानते हो। तब रे बोलता है मेरी वाइफ का मर्डर हो गया है और मैं वही कन्फर्म करने जा रहे हूँ। तब डॉक्टर उसे पूछता है कि तुम्हारी वाइफ को किसने मारा है। तब रे बोलता है मेरी वाइफ को मार्टिन एक्स के आदमी ने मारा है और मार्टिन एक्स ने खुद उसे गोली मारी थी। डॉक्टर बोलता है तुम वापस आ जाओ, तुम एक $multi-million प्रोजेक्ट हो। लेकिन रे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रे पायलट की सीट पर बैठकर जहाज पर निकल जाता है। जहाज पर आइडेंटिफाइड लोकेशन कुआलालंपुर का दिखाया जाता है जो कि बुडापेस्ट में। अब सीन चेंज होता है जहां पर यह दिखाया जाता है कि मार्टिन एक्स को कार में लेकर जाया जा रहा है और उसके साथ और भी कई कारें हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। जब वो सारी कारें टनल को क्रॉस कर रही होती है तभी टनल्स की लाइट ऑफ हो जाती हैं और एक ट्रक आकर उनमें से एक कार को टक्कर मार देता है। ये ट्रक रे चला रहा होता है तभी मार्टिन अपने कार में बैठे हुए ड्राइवर को बोलता है मुझे बाहर जाने दो, पर मार्टिन एक्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता है और रे सभी गार्ड्स पर फायर कर रहा होता है और गार्ड्स भी उस पर फायर कर रहे होते हैं पर रे को कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी घाव तुरंत ही भर जाते हैं। सभी लोग उस पर अटैक करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता और वह सभी गार्ड्स को मार देता है और अंत में मार्टिन एक्स को भी मार देता है। अब सीन दिखाया जाता है एयरफील्ड का जहां रे जीप से आता है और केटी, जेमी, मार्कस सभी लोग वहां पर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो सभी लोग उसे लेकर वापस से लैब आते हैं और उसी बीच में रे केटी को बोलता है मैंने अब अपनी वाइफ का मर्डरर को मार दिया, मैंने अपनी आखिरी टास्क को कंप्लीट कर दिया है। लैब में उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तभी एक बड़े राज का खुलासा होता है कि डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए रे के दिमाग को प्रोग्राम कर रहा होता है और उसकी वाइफ की डेथ का फॉल्स मेमोरी उसमें डाल रहा होता है। ये सब कुछ वो अपने राइवल्स को मिटाने के लिए कर रहा होता है। वह रे के दिमाग को ऐसे प्रोग्राम करता है जैसे कि उसमें से किसी भी एक राइवल जिसको डॉक्टर को मरवाना होता है वो उसकी बीवी का मर्डरर है। तभी केटी बोलती है कि अब हम इसके दिमाग के मेमोरी को मिटाने जा रहे हैं, तो डॉक्टर उसको बोलता है ये सब कुछ हम लोग एक कारण की वजह से कर रहे हैं। डॉक्टर रे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है अपने राइवल्स को मिटाने के लिए। डॉक्टर का अगला टारगेट होता है निक बैरिस। तब केटी बोलती है रे एक सोल्जर है, तो डॉक्टर बोलता है एक मरा हुआ सोल्जर। अब रे के दिमाग को वापस से रीप्रोग्राम किया जाता है और इस बार ये दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ का किलर निक बैरिस है। और फिर सेम प्लान रिपीट होता है। रे जब उठता है तो एक उसके शरीर पर वायर्स अटैच होते हैं, वह गिरता है ज़मीन पर। अब उसे कुछ भी याद नहीं होता है। फिर वह केटी से मिलता है, केटी उसे ड्रिंक ऑफर करती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन इस बार उसके वाइफ का किलर निक बैरिस होता है। सेम उसी तरह रे इस बार भी गुस्से से एयरक्राफ्ट पर निकल जाता है। वह इंग्लैंड के ईस्ट सुजेक्स में जाता है जहां बैरिस रहता है। बैरिस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी बैरिस का एक प्रोग्रामर विगन्स एक केस लेकर आता है जिसके अंदर EMP बॉम्ब होता है। डॉक्टर ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी रे बैरिस की ऑफिस पहुंच जाता है और सभी को मारने लगता है। वह सभी को मार देता है और बैरिस से पूछता है कि तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा, तो बैरिस बोलता है ये सब गलत है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। और अंत में रे उसको भी मार देता है और बाहर चला जाता है। जब वह बाहर जा रहा होता है तभी वह बेहोश हो जाता है। वीगन ये सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद वीगन रे को अंदर ले आता है और यहाँ लेबोरेटरी में डॉक्टर के स्क्रीन पर लॉस सिग्नल का मैसेज आता है। उधर जब रे को होश आता है तो वह वीगन्स पे अटैक कर देता है। वीगन्स उसे बोलता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी बीवी का खून नहीं किया है। तब रे उसे बोलता है जब भी मैं वापस उठता हूँ तो मेरी बीवी का मर्डरर अलग अलग आदमी होता है, ऐसा कैसे होता है। वीगन्स भी काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर रे उसे बोलता है कि मेरी वाइफ का नाम गिना है, और रे अपने हाथ पर एक कट लगाकर अपना ब्लड सैंपल ग्लास में वीगन को दे देता है। वीगन उसके ब्लड को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है तुम्हारा पूरा शरीर प्रोग्रामेबल सिस्टम पर चल रहा है
और उसे ये भी बोलता है कि राइजिंग स्पिरिट्स वाले तुम्हारे अंदर फॉल्स मेमोरीज डाल रहे हैं और वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल एक किलिंग मशीन की तरह कर रहे हैं। तब ये रे बोलता है कि ये सब कुछ टेम्पररी है, ये सब कुछ हमेशा नहीं चलेगा, और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। अब सीन दिखाया जाता है लंदन इंग्लैंड का, जहाँ पर रे अपनी बीवी को खोजते हुए उसके घर पहुँच जाता है। वह उससे मिलता है और उसको बोलता है घर आ जाओ। तब उसकी बीवी गिना बोलती है क्या हो गया है तुम्हें, हम दोनों के बीच सब कुछ सेटल हो गया था, अब मेरी एक फैमिली है। रे काफ़ी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है आखिरी बार हम लोग कब मिले थे। तब उसकी बीवी बोलती है 5 साल पहले। उसके बाद रे वहाँ से निकल जाता है और गाड़ी पर काफ़ी रोता भी है। तभी जिमी और उसका पार्टनर उसकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से हिट कर देते हैं और रे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। रे को जैसे ही गोली लगती है वहाँ पर उतना भाग उसका ब्लू हो जाता है। जब वो रे देखता है तो वहाँ पर एक चिप लगा होता है। रे उस चिप को निकाल कर वहाँ से भागने लगता है। फिर जिमी और उसके पार्टनर एक गन को हवा में फायर करते हैं। जैसे ही वो गन को हवा में फायर करते हैं वो गोली कैमरा बन जाता है और ड्रोन की तरह उड़ने लगता है, जिससे रे का लोकेशन उसको पता चल जाता है। अब रे पुलिस की एक गन छीन लेता है और वो जिमी पर और मार्कस पर फायरिंग शुरू कर देता है। फिर उसके बाद रे और जिमी की फाइट शुरू हो जाती है और उन दोनों पर एक ट्रक चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिमी का पैर पूरी तरह अलग हो जाता है, लेकिन रे को कुछ नहीं होता। और इसी बीच जिमी रे के बैग पर एक डिवाइस स्टैप कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब केटी भी उसका भला चाहने लगती है। जब डॉक्टर केटी को वीगन्स के लिए एक ऑर्डर देता है तो केटी रिफ्यूज़ कर देती है। इस पर डॉक्टर उसके ब्रीदिंग सिस्टम को कंट्रोल करके उसके ब्रीदिंग को रोक देता है, और जिसकी वजह से केटी राज़ी हो जाती है और वीगन्स को खोजने के लिए निकल जाती है। अब लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केटी वीगन के प्लेस पर पहुँचती है और वीगन से लाइटर के लिए पूछती है। जब वीगन्स लाइटर जलाकर उसका सिगरेट को जला रहा होता है तब सिगरेट की धुआं की वजह से वीगन्स बेहोश हो जाता है, और केटी वीगन्स के सभी दोस्तों को और गार्ड्स को पीट कर वहाँ से वीगन्स को लेकर चली जाती है। इधर जब रे को होश आता है तो लेबोरेटरी में डॉक्टर के सामने होता है। रे डॉक्टर को बोलता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया है हथियार की तरह, तुमने अपने फ़ायदे के लिए मुझसे लोगों को मरवाया है। तो डॉक्टर बोलता है बदला इंसान को एक्सेप्शनल बना देता है, जैसे तुम्हें बनाया है अपनी बीवी के मर्डरर को मारने के लिए। रे बोलता है तुम जैसे लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हो और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तब रे बोलता है अपने आदमियों से कि स्टार्ट करो फिर से प्रोग्राम को, और वो सभी लोग उसके फिर से रीप्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वीगन्स भी प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। जब केटी लेबोरेटरी में पहुंचती है तो अब वो भी रे का मदद करने की कोशिश करती है, और डॉक्टर को ये बात पता चल जाता है। तो डॉक्टर उसके पास जाता है और उसकी ब्रीदिंग सिस्टम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेस डिनाइड का मैसेज पॉपअप होता है और वीगन भी उधर दूसरी तरफ रे की मदद कर रहा होता है। अब रे और केटी दोनों ही डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर हैं, और उसके बाद अब ये दिखाया जाता है कि जिमी का पैर भी पूरी तरह से सही हो गया और उसे एक्स्ट्रा 2 हाथ भी लगा दिया गया है, और मार्कस और जिमी दोनों ही रे से लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर रे और मार्कस जिमी की लड़ाई होती है। मार्कस और जिमी दोनों मिलकर रे को बहुत पीटते हैं, पर रे को कुछ नहीं होता है और रे फिर उन दोनों को मार देता है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है मारने के लिए, तो डॉक्टर बोलता है मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरी वजह से ज़िंदा हो। फिर डॉक्टर एक गन से बॉम्ब फायर करता है रे की तरफ, तो रे उसे कैच कर लेता है और उस बॉम्ब को बीच में गिरा देता है। बॉम्ब के गिरने की वजह से ब्लास्ट होती है, जिससे वो डॉक्टर मारा जाता है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि रे को होश आया तो वो पूछता है मैं कहाँ हूँ। इस पर विगन बोलता है रिलैक्स, तुम्हें कैसा लग रहा है। और वहाँ पर केटी भी बाहर खड़ी होती है। रे वीगन्स को थैंक्स बोलकर केटी के पास चला जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लड शॉट मूवी की पूरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।